एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है मेरा बर्थडे, तो पसीना देख सकते हो आप मुझे कितना ज़्यादा हो रखा है। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो आज अभी जस्ट तैयारी करते हैं, हम नहा के आते फिर आपसे मिलते हैं। मम्मी कितने पैसे दे रहे हैं मेरे को आज आप, हैं कितने पैसे दे रहे हैं? कितने? बस 1000 ही। तो गाइस मेरे बर्थडे गिफ्ट दिए मम्मी ने मुझे 1000 रुपये। मम्मी को तो मैं अभी चलती हूँ गाइस, मिलते हैं, देखते हैं 1000 रुपये मम्मी ने दिए, बाकी देखते हैं। तो मिलती हूँ आपसे। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट के लिए, कुछ देखते केक तो मेरा वैसे मन नहीं है कट करने का, बट एक और मैंने फर्स्ट बार जो है ना इतना डार्क कलर, जो आपने मेरा व्लॉग देखा ही होगा शॉर्ट वीडियो में, मिनी व्लॉग, तो उसमें मैंने डार्क मतलब लिपस्टिक आज पहली बार लगाई है। बट थोड़ा सा अजीब, मतलब ऐसे शादी में तो मैं लगा लेती हूँ ना, बट ऐसे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट कोई बात नहीं, चलता है आज मेरा बर्थडे मैंने लगा जाती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे गाइस। आज मेरा बर्थडे, तो आज हमने खा पी के अब सारा सामान ले लिया बाकी, तो अब चलते गाइस हम यहाँ से। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो चलते हैं घर गाइस हम लोग। तो मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी देर के बाद। नहीं
लग पा गए तो हेलो गाइस, आज मैं दिखा रही हूँ आपको अपने बर्थडे की जो मेरे को गिफ्ट मिली है, जो मैंने खुद से ली है, वो आपको दिखाती हूँ मैं। तो इनको रखते हैं ब्रश। तो सबसे पहले दिखाती हूँ मैं आपको ये जो ब्यूटीफुल सी, क्या बोलते हैं इसको, रिंग है जो मेरी मम्मी ने मुझे दी थी। मेरे को बहुत दी मम्मी ने, लेकर तो नहीं दी है, मैंने खुद ही ली है। बट मम्मी, मैंने मम्मी को बोला था कि मेरे को ये बहुत पसंद आई है, तो मैं आपको इसको अच्छे से जो है, तो इसको जो मैं अच्छे से आपको बाद में बताऊंगी गाइस। बहुत ही ब्यूटीफुल रिंग है गाइस, ये मैंने पहनी थी उस दिन बर्थडे वाले दिन। कितनी सुंदर लगती है गाइस। तो सबसे पहले जो है मेरी मम्मी की तरफ से जो है गिफ्ट है, तो बहुत ही प्यार, इसको मैं हमेशा संभाल के रखूँगी गाइस। और दूसरा ये मुझे गिफ्ट क्यों मिला है, ये सोच लो मैंने बर्थडे में तरफ मंगवाया गया था वाला एक बार भी नहीं करना है, ट्राई किया था पहनने का इसमें इसको, क्योंकि फर्स्ट बार मैंने मिंत्रा से जो शॉपिंग की है। मीशो से मैंने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे मीशो से शॉपिंग करते, बट थोड़ा टाइम हुआ मीशो से शॉपिंग करते हुए, थी मुझे एक साल हो गया। पहले मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती थी, तो शॉप वगैरह जो रहती थी वही था, और इस बार मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करना स्टार्ट किया 6 साल से। और ये मैंने बोल रही थी कि मिंत्रा बहुत अच्छी होती है, मैंने उससे ये सूट मंगवाया। तो गाइस ये बहुत ही, और मतलब मीशो भी अच्छा, ऐसा कुछ नहीं कि मीशो अच्छा नहीं है, बट मीशो और मिंत्रा में बहुत अंतर आप खुद ही देख सकते हो। और देख सकते जैसे मैंने फोटो में आपको लगा दूँगी, जैसे मैंने मंगवाया था सेम देखा था वैसे, बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं कि कपड़ा अलग से आया या कुछ भी है। और बहुत ही ब्यूटीफुल लगा, बहुत ही ज़्यादा। पर मैंने इसको पहनना नहीं था अभी, क्योंकि मैंने ऐसी ड्रेस पहनी नहीं है, तो मैंने पहनना नहीं था, मतलब इसकी स्लीव नहीं है, डाउन स्लीव आई, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये इसकी शर्ट होगी, ये इसका लोअर, तो वैसे भी बहुत अच्छे का कपड़ा जो है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। मैंने प्लास्टिक दे रखा भी छोड़ा के जो है साइड से जो कट होता है, इसको मैं बहुत जल्दी आपको वेयर करके दिखाऊंगी। तो ये बहुत अच्छा है, इसको बहुत ज़्यादा। और इसकी चुन्नी देख सकते हो, बिल्कुल हल्की सी जो है, इसके अंदर लेस लगी हुई बिल्कुल हल्की सी, और पहनने के बाद भी बहुत अच्छी लगती है। ऐसे पहन लो आप या फिर ऐसे पहन लो, जैसे पहना हो, बहुत अच्छी है। तो मेरे से काफ़ी अच्छी लग रही है सभी हुई, तो मेरे को ये सूट बहुत 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 अच्छा लगेगा वाला। मैं स्लीव की वजह से थोड़ा सा मैंने पहले सोचा कि मैं लूँगी या ना लूँ, बट मैंने यही लिया इसे, मैं तो पहनना जैसे क्या है ये लिया मिंत्रा। एंड अब मेरे को गिफ्ट में से सिर्फ एक ये गिफ्ट मम्मी की तरफ से, और ये दोनों गिफ्ट मेरी मम्मी की तरफ से। जैसे कि गाइस मैं आपको बता रही थी, जैसे कि गाइस मैं आपको बता रही थी, ये वाला गिफ्ट मेरी मम्मी की तरफ से दोनों, मेरे यहाँ वाली मामी दी है, जो मेरी मम्मी उनके साथ मित्री डाली है, तो कबू की मम्मी, जिसने आप इस बार लोगों में देखा होगा उन्होंने, प्यार बहुत ही प्यार सूट लगा मुझे, मैंने कलर भी नहीं पहना है ज़्यादा। तो गाइस ये सूट भी बहुत प्यार है, और इसकी जो गाइस यार इसकी शर्ट और इसका लाइनिंग का कपड़ा, और ये इसके साथ सलवार सूट या कुछ भी बनाऊंगी मैं इसका। ये इसकी बहुत ही अच्छी चुन्नी, इसकी बहुत ही अच्छी चुन्नी है, इसे देख सकते हो। बहुत ही सुंदर है गाइस, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, अच्छा है, मतलब इसको मैं कुछ सलवार सूट या कुछ बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास प्लाजो बहुत हो गया, मैंने एक सलवार सूट नहीं बचा मेरे पास, उसको मैं सलवार सूट बनाऊंगी। और ये भी मेरी मम्मी है, यहाँ से ही है, उन्होंने वो भी मतलब मम्मी ने उनसे मित्री वाली है, उन्होंने मम्मी मेरे को बर्थडे गिफ्ट के लिए ये वाला सूट दिया है। ये भी अच्छा है, गिफ्ट टू गिफ्ट होती है गाइस, कितने की हो, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये भी पहले मैंने पहना नहीं है, मतलब इसके लिए मैं सलवार सूट बनाऊँगी या फिर प्लाजो कुछ भी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा रेडीमेड ही सूट हो गए हैं, क्योंकि सिलवाए हुए एक दो ही हो गए, वो भी ब्लाउज नहीं है, इस तो अभी मैं सलवार सूट मेरे पास बचे नहीं है। तो ये देख सकते हैं इसकी चुन्नी भी बहुत ही हल्की, इतनी अच्छी लाइन है, बहुत अच्छा कलर है, मैंने दोनों कलर नहीं पहनने गए ज़्यादा। तो ये भी अच्छा सूट, कैसा लग रहा है आपको मेरे सूट, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा वो भी बताना। तो गाइस मम्मी मेरे को बाहर से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं मम्मी आप, ये हो गई गाइस गिफ्ट, तीन गिफ्ट है ये दोस्तों, और ये भी मम्मी की तरफ से, इसमें कुछ नहीं ऐसी है। ये वही मेरा मीशो पे बहुत ही ब्यूटीफुल, और मेरे को ऐसी ऐसी साड़ी बहुत ही ज़्यादा, कौन सा और गहन जगह कपड़ा पहनना है इसको बताए, इसको जो मेरे को स्टिच करना पड़ेगा, अगर मैं इसको पहनूंगी प्रेस, मतलब अजीब सी हो जाती है, प्रेस करके अच्छे से इसको मैं स्टिच करूंगी गाइस। मैंने थोड़ा सा इसको, पर मेरे को ये लग रही गाइस कि ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लगेगी। पल्लू अगर आप सर में लेना चाहोगे इसका पल्लू, तो इतना ही गाइस बहुत है। और ये रही गाइस मेरे बर्थडे की गिफ्ट, और जो मैंने खुद से शॉपिंग की थी, तो आपको कौन सा गिफ्ट मेरा सबसे अच्छा लगा गाइस, तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, और मेरे ब्लॉग में गाइस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो गाइस, आप लोगों की सपोर्ट ही चाहिए गाइस मुझे, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा गाइस, आप लोग फुल सपोर्ट ना हो यार अपना।
और बहुत जल्दी मैं अच्छे ब्लॉग लाऊंगी आपके सामने, क्योंकि अभी शायद हम अपने दूसरे वाले घर जा रहे हैं थोड़े दिन के बाद, तो आपको मैं वहाँ भी सब मतलब जो भी है ब्लॉग मेले सीजन का जो भी ब्लॉग होता है मेले टाइम का जो भी रहता है सब कुछ वहाँ का कल्चर हर कुछ बताऊँगी। तो आप जो है मेरे को जल्दी से जल्दी जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया वो मेरे को अपनी इंस्टाग्राम मेरी इंस्टाग्राम आई डी में फॉलो कर लिए कर लेना गाइस। तो आई होप लोग आपको अच्छा लगा होगा, लोग अच्छा लगा होगा तो वीडियो करना है लाइक, चैनल पे नहीं है तो चैनल को करना सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं ग्रुप में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।